So students, good morning. How are you? Fine? Okay, yesterday we read about lesson 6, Priya's dream. Now today we are going to do comprehension. Comprehension means whatever you have read in the lesson, we have to discuss. Question answers, true, false, whatever book exercises. Okay, so take out page number 41. We are going to solve. You just see the book pages and write afterwards. We are just orally discussing. Don't write. You can write afterwards. I will send you pics also. Just now listen and understand. Okay, we are discussing. Question 1. Write true or false. Okay, the boxes are given. You have to write true or false. In Priya's dream, 6 sentences are there. आपको सेंटेंस रीड करना है और ट्रू फॉल्स आंसर देना है. शी रीचेस हर स्कूल इन टाइम. फॉल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रियाज ड्रीम, जो उसने ड्रीम में देखा था. हर रेड सिल्क ड्रेस इज नॉट रेडी. ट्रू. द बेकर गिव्स हर मिक्की माउस बर्थडे केक. फॉल्स. द पार्टी रूम वॉज नॉट डेकोरेटेड ब्यूटिफुली. ट्रू. फादर केम फॉर द पार्टी इन टाइम. फॉल्स. All our friends were late. True. ये सब उसके dream की बात है. Okay. Now question number 2. Answer the following questions. Now you have to write answers. Question 1 is, what was Priya's bad habit? Priya की bad habit क्या थी? तो answer is, she used to get up late every day. उसको हमेशा late उठने की आदत थी. So ये उसकी bad habit थी. Good habit क्या है? Early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है वो healthy और wise भी होता है. ठीक है. So make a habit of this. Now question number 2. What changed Priya's life forever? So answer is, a dream changed Priya's life forever. उसने सपने में ऐसा देखा कि वो लेट उठी तो उसने स्कूल में डांट भी खाई, फिर उसकी ड्रेस भी लेट नहीं थी. और क्यों सब काम उसका नहीं हुआ? क्योंकि सब ने यही आंसर दिया उसको कि आज हम लेट उठे थे. सो उसको ड्रीम में ये लेसन मिला कि देखो सबके लेट उठने से मेरा काम कितना स्पॉइल हुआ, मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया. सो एक बैड हैबिट से उसका पूरा सब खत्म हो गया. सो इस ड्रीम ने उसकी लाइफ चेंज कर दी और वो ऑलवेज के लिए गुड गर्ल बन गई. सो आंसर इज, a dream changed Priya's life forever. Question number 3. Who wished Priya on her birthday early in the morning? So answer is, सबसे पहले इसको किसने विश किया था? उसकी मदर ने. So आपने प्रोनाउन तो पढ़ लिए, तो यू राइट आंसर. हर मदर wished Priya on her birthday early in the morning. Now turn the page and come to 42. Sorry. सो अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हाट हैपेंड ऑन प्रियास बर्थडे. आपको ए बी सी डी ई एफ 6 सेंटेंस है. प्रिया के बर्थडे पर 6 सेंटेंसेस लिखना है कि क्या क्या हुआ था. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस, बट यू विल राइट आफ्टर लुकिंग माय पिक्स. सो नंबर ए, प्रिया रीच्ड स्कूल ऑन टाइम. हर सेकेंड बी, her red silk dress was ready in the evening. C, the party room was decorated beautifully. Father, deep likhiye, father came early with the Mickey Mouse cake. E, all her friends came in time. जो उसने सपने में सब देखा था उसका उल्टा हुआ था बर्थडे पर उसका, है ना. बर्थडे में उसने सब सही हुआ लेकिन ड्रीम में सब उसने उल्टा देखा और वही ड्रीम उसको लेसन दे कर गया. एफ पे लिखिए, प्रिया हैप्पीली ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर केक. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड प्रियास फादर टेल द बेकर. सो प्रिया के पापा ने बेकर से क्या कहा. फादर टोल्ड द बेकर टू मेक अ मिक्की माउस केक. आप लोग भी अपने बर्थडे पे बहुत डिजाइनर केक्स बनवाते हैं ना, लेकिन प्रिया का फेवरेट था मिक्की माउस केक. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड प्रिया टेल हर मदर आफ्टर हर बर्थडे पार्टी. सो आंसर इज, प्रिया
लास्ट में बर्थडे पार्टी के बाद उसने अपनी मम्मा से क्या कहा? प्रिया टोल्ड हर मदर दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स शी विल ऑलवेज बी इन टाइम। ये सेंटेंस आपको सबको अपनी मदर को बोलना है, ठीक है? और मदर की कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि ये बच्चा नहीं उठता है, वो बच्चा नहीं उठता है। ओके, यू विल डू फॉर दिस, यू विल डू दिस फॉर मी, ओके, आई नो यू ऑल विल डू। नाउ अब वी विल डू ग्रामर एक्सरसाइजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर B1, यू हैव टू राइट अपोजिट्स फ्रॉम कॉलम बी, यू हैव टू डू मैचिंग। सो विन, जीतना, उसका अपोजिट लूज उन्होंने पहले ही लिखा है। एनिमी फ्रेंड, फॉरगेट रिमेंबर, केयरफुली केयरलेसली, लेट अर्ली, लाफ विन, ये सब उसके अपोजिट्स हैं। नाउ यू हैव टू लर्न दिस लिस्ट, वी विल आस्क यू एनी अपोजिट इन वर्कशीट एंड यू हैव टू डू इट। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 43। नाउ हमने जेंडर्स पढ़ लिए हैं नाउन में। नाउन या तो मेल होता है या फीमेल होता है, ठीक है, या फिर नॉन लिविंग थिंग होता है, ठीक है। सो आपका मेल है तो उसका फीमेल देना आना चाहिए। सो दिस लिस्ट ऑल्सो यू हैव टू लर्न, सिंपली यू हैव टू डू लर्निंग, नो नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मीनिंग है, दिस इज जस्ट अ लर्निंग एक्सरसाइज। लॉर्ड लेडी, हीरो हीरोइन, गॉड गॉडेस, सर मैडम, शेफर्ड शेफर्डेस, शेफर्ड वो होते हैं ना जो भेड़ बकरी चराते, चरवा उनको बोलते हैं। जायंट मीन्स ह्यूज, जो राक्षस बड़े बड़े रहते हैं उनको जायंट बोलते हैं। जायंट जायंटेस, किंग क्वीन। इन द सेम वे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर बी ऑल्सो, इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हैं तो आपको सिर्फ उनका लर्निंग करना है। सो नाउ इन क्वेश्चन बी वी हैव टू डिस्कस अबाउट फीमेल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। टाइगर टिग्रेस, हम टाइग्रेस नहीं बोलते, टिग्रेस। हॉर्स मेयर, पीकॉक पीहेन, ड्रैग डक, वुल्फ शी वुल्फ, कॉक स्पैरो हैन स्पैरो, गैंडर गूस। ओके, स्पेलिंग यू विल गेट फ्रॉम कॉलम बी। नाउ टर्न यूर पेज एंड कम टू पेज नंबर 45, ठीक है। नाउ इन दिस यू हैव टू डू प्लूरल्स, हमने सिंगल और प्लूरल ये भी हम नाउन में पढ़ चुके ग्रामर बुक में। सिंगल मीन्स एक, प्लूरल मीन्स बहुत सारे, और इसके रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई एम ओनली गिविंग आंसर्स, रूल्स यू नो ऑलरेडी फ्रॉम ग्रामर बुक। सो पेज 45, क्वेश्चन नंबर ए, लीव का लीव्स उन्होंने ऑलरेडी लिख के दिया है, बाकी का आपको करना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। चाइल्ड चिल्ड्रन, शिप शिप, बेटा शिप का कुछ चेंज नहीं होता है, शिप का शिप ही होता है। टॉय टॉयज, पोनी पोनीज, बफेलो बफेलोज। ओके, अब बी में आपको मिक्स है, सिंगल है तो प्लूरल करना है, प्लूरल है तो उसका सिंगुलर देना है। टूथब्रश टूथब्रशेस, हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स, एफ वाला रूल पढ़ा है ना आपने, एफ को टाके IVS। रेलवे स्टेशन स्टेशन्स हो जाएगा, प्लेट है तो प्लेट्स हो जाएगा। अब इसमें ब्लैक बोर्ड्स, प्लूरल दिया तो आपको ब्लैक बोर्ड करना है। जेंटलमैन तो आपको जेंटलमैन करना है, ठीक है, नथिंग एल्स, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द रूल्स एंड टर्न इन टू प्लूरल्स। नाउ टर्न यूर पेज अगेन, कम टू पेज नंबर 46। दिस आर द सेंटेंसेस, देखो आपको उसमें सेंटेंस दिया, आपको उसको अरेंज करना, और उसके बाद सिंपल सेंटेंस होता है तो यू हैव टू पुट फुल स्टॉप इन द एंड, एंड ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल्स। सो आपको ये ध्यान रखना है, और अगर क्वेश्चन के रूप में सेंटेंस है तो आपको लास्ट में उसको क्वेश्चन मार्क देना है, और अगर आश्चर्य की बात है, सरप्राइज की बात है, तो आपको वहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है, ठीक है। ये तीनों साइन ऊपर क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू रीड द सेंटेंस, पहले मैं रॉन्ग वाला पढ़ रही हूँ, फिर उसको करेक्ट वाला पढ़ूंगी। काइट ही रेड अ हैज, सो आपको उसको अरेंज करना है सिस्टमेटिकली। ही हैज अ रेड काइट, आपको प्रोनाउन पहले लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर आपको नाउन के आगे आपको पता है एडजेक्टिव लगाना है,
ये सब आपको देखना है और उसको सिंपली अरेंज करना है। सेकेंड, लेटर ऑफ राइटिंग इज वरुण। सो वरुण पहले आएगा नाउन, सो क्या बनेगा, वरुण इज राइटिंग अ लेटर और फुल स्टॉप। डोंट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एंड स्टार्ट द सेंटेंस विद कैपिटल्स। सिंह इज मिस्टर एंग्री वाई। अब वाई है तो मीन्स ये क्वेश्चन हुआ, सो वाई पहले आएगा, वाई मिस्टर सिंह इज एंग्री और आपको उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। फिर फोर नंबर पे है फनी वॉट स्टोरी, सो इसका बनेगा वॉट अ फनी स्टोरी और उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो फिफ्थ नंबर पे वोक मॉर्निंग अप दिस अर्ली, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग और फुल स्टॉप। सो दीज आर सेंटेंसेस और हम सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम ग्रामर बुक में पढ़ेंगे। अभी तो आपको सिंपल सेंटेंस थे तो यू हैव टू अरेंज। एंड नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई विल सेंड यू पिक्स ऑफ हार्ड वर्ड्स, देन वर्ड मीनिंग्स, देन फ्रेम सेंटेंसेस and question answers from book you will write. So I will send you pics of book also tomorrow and copy ka I will send on Thursday. Fine? Okay. Thursday or Friday, whatever. So I hope you understood this chapter nicely and one day we will do GK also. And on Saturday we have Zoom class for revision. And I hope you got the timetable and syllabus for all the subjects. Start learning for that. This is your periodical test and please take it seriously. I hope you are a good children. Till then, have a nice day, revise the course and enjoy your day. Bye.